वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद सुनीता। ये देखिए मदर इंडिया प्लांट में इतने बड़े फ्लावर्स खिले हैं जैसे नाश्ते का एक प्लेट हो। तो आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने वाली हूँ। बरसात जाने से पहले सितंबर लास्ट वीक और अक्टूबर फर्स्ट वीक में आप लोग भी ये सब काम कर ले तो अच्छा रहेगा। तो बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आपके हाइबिस्कस में इतनी अच्छी ग्रोथ कैसे होती है, बहुत सारे फूल आते हैं तो मिट्टी शेयर कीजिए। तो आप लोग आज मिट्टी भी देख लीजिएगा और बहुत सारे हाइबिस्कस में कलियाँ आई हुई हैं और सभी खिलने ही वाले हैं। तो आज मैं बहुत ऐसे काम करने वाली हूँ, बहुत सारे ऐसे प्लांट है जो कि मैं रिपोर्ट करूँगी और रिपोर्ट करने के लिए बहुत अच्छा समय है अभी परमानेंट प्लांट की और सीजनल जो भी आपके प्लांट हैं उसकी। तो आज मैं कलांचो जो ग्रो हो गए हैं कटिंग से उसे रिपोर्ट करूँगी और जरबेरा एक प्लांट से कई प्लांट बनाऊँगी। और ये रही मेरी मिट्टी, मिट्टी में काउडंग कंपोस्ट, हल्दी और वाइट जो देख रहे हैं थोड़ा सा चूना और फंजीसाइड की जगह में चारकोल। चूना मैंने मिट्टी में इसलिए डाला है क्योंकि बरसात का टाइम है, बरसात के टाइम में बहुत सारे मिट्टी में कीड़े मकोड़े पनप जाते हैं तो वो आपके प्लांट को तो हार्म नहीं करेंगे लेकिन हाँ कीड़े मकोड़े जरूर मर जाएंगे और आपके प्लांट भी स्वस्थ रहेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले तो मैं एक्जोरा प्लांट को प्लांटिंग कर दे रही हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गए थे लाए हुए और कहाँ पड़ा हुआ था मुझे ध्यान भी नहीं था। कोई बात नहीं, अभी बारिश के टाइम में इसकी केयर हो गई है और अच्छी ग्रोथ हो गई है और अच्छा है कि इसे बड़ा प्लांटर भी मिल गया और इसे मैं प्लांटिंग कर दे रही हूँ। तो ये परमानेंट प्लांट को आप बरसात जाने से पहले आप ये सब काम कर ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा टाइम है। और आज ऐसा है कि शाम तक जरूर बारिश हो ही जाएगी और ये बारिश का अभी एंड ही चल रहा है। तो इस तरह से मैं आज बहुत सारे काम निपटाऊंगी और बहुत सारे विंटर फ्लावर प्लांट की भी प्लांटिंग करूंगी। तो सबसे पहले तो मैं एक कलांचो जिसकी कटिंग रेडी हो गई है उसे मैं छोटे छोटे प्लांटर में लगा दूंगी और जरबेरा की एक प्लांट से कई प्लांट मैं आज बनाऊंगी। तो इसके लिए मिट्टी मैंने रेडी कर लिया है। मिट्टी में अगर आप काउडंग कंपोस्ट, सैंड और सॉयल मिलाकर मिट्टी बनाते हो तो इनफ है, आपको और ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके पास से काउडंग कंपोस्ट की जगह में वर्मी कंपोस्ट है तो वो भी आप डाल सकते हैं। प्लांट की ग्रोथ अच्छी ही होती है और आपने देखा होगा कि मैंने कोई भी फंजीसाइड का यूज़ नहीं किया है, ऐसे ही हमारे प्लांट अच्छे रहते हैं। और जरबेरा देखिए कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स देने वाले प्लांट है और एक प्लांट से कई प्लांट बन गए और एक के छोटे से रूट भी टूट गए थे तो उससे भी एक प्लांट बन जाएगा। तो एक प्लांट से मैंने कुल 6 प्लांट बनाए हैं और 6 प्लांट तो बना लिए लेकिन लगाने का झमेला, तो जैसे जैसे मुझे प्लांटर मिलते जाएगा मैं वैसे वैसे लगाते जाऊंगी। लेकिन अभी उतने बड़े बड़े मेरे प्लांट नहीं हैं कि इसे बड़े बड़े प्लांटर में शिफ्ट कर दूं, तो जो मेरे पास अवेलेबल होगा अभी तत्काल मैं उसमें ही इस पूरे प्लांट को लगा देती हूं और जैसे जैसे मैं शॉपिंग करूंगी प्लांटर मेरे पास आएंगे मैं उसमें लगाती जाऊंगी। तो इस तरह से आप कुछ परमानेंट प्लांट की आप प्लांटिंग कर लें और काम निपटा लें तो अच्छा रहेगा। बारिश का टाइम में आपके प्लांट लग ही जाएंगे, ख़राब होने का टेंशन नहीं है। और जरबेरा आजकल काफ़ी महंगे मिलने लगे हैं नर्सरी में, तो इसकी केयर टिप्स का भी वीडियो मैंने सेपरेट सोचा है मैं बनाऊंगी, बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे। आप देखिए सैंड में आप कटिंग तो ग्रो आसानी से कर सकते हैं लेकिन पौधों को बड़ा नहीं कर सकते हैं। तो ये जो प्लांट खाली हुआ है इसमें भी मैं एक जरबेरा ही लगा दूंगी और जो भी छोटे छोटे कलांचो जो रेडी हो गए हैं मेरे उसको मैं छोटे छोटे पॉट में लगाऊंगी क्योंकि अगर मैं उसे बड़ा पॉट देती हूँ तो ओवर वाटरिंग से ये कलांचो की कटिंग खराब हो सकती है। तो जरबेरा को तो मैंने लगा दिया है, अब बारी है कलांचो की। और कलांचो के लिए आप थोड़ा सा सैंडी सॉइल बनाइए और एक जो रूट डैमेज हो गए थे, टूट के निकल गए थे जरबेरा के, उसे भी मैं सैंड में लगा देती हूँ क्योंकि सैंड में कटिंग बहुत अच्छी तरह से जल्दी ग्रो हो जाते हैं। और अगर इसमें ग्रोथ हो गई तो अच्छा हुआ, एक छठा प्लांट भी मेरे पास मिल जाएगा। तो जरबेरा का काम ख़त्म हुआ, अब कलांचो की पारी। तो कलांचो में मैं थोड़ा सा सैंडी सॉइल मिलाऊंगी, सैंड मिला लेती हूँ एक्स्ट्रा
और हल्दी थोड़ा सा मिला लीजिए। फंजीसाइड आपको जो सूटेबल लगे वो आप मिला सकते हैं। मैं ऐसे ही प्लांटिंग करती हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। और छोटे छोटे बेबी प्लांट है तो छोटे छोटे पॉट में ही मैं लगाऊंगी, और जैसे जैसे ये प्लांट में ग्रोथ होगी वैसे वैसे इसके मैं प्लांटर बड़ी करती जाऊंगी। इस तरह से देखिए मैं अक्टूबर फर्स्ट वीक तक, सितंबर लास्ट वीक तक, जब बारिश का एंड होने ही वाला है तब तक ये सब काम आप भी कर ले तो अच्छा रहेगा। तो ये रही मेरी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और बहुत सारे कलंच हो गए हैं, इन सबको मैं लगा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए और गार्डनिंग करते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू।